नमो नमः। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको एक और संस्कृत श्लोक सिखाने वाली हूँ, तो आप सब तैयार हैं? तो बताओ बच्चों, ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा, ये बच्चे व्यायाम कर रहे हैं, अर्थात एक्सरसाइज। आप करते हो एक्सरसाइज? वेरी गुड। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो व्यायाम से अर्थात एक्सरसाइज से, कसरत से रिलेटेड है। सब लोग मेरे पीछे दोहराएंगे, ठीक है? बोलो, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम्। फिर से एक बार, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम्, अर्थात व्यायाम करने से हमें स्वास्थ्य मिलता है, मतलब हमारा आरोग्य जो है वो बेहतर हो जाता है, हम निरोगी बन जाते हैं। आगे बोलिए मेरे साथ, दीर्घायुष्यम। फिर से एक बार, दीर्घायुष्यम बलम सुखम। व्यायाम करने से क्या क्या मिलता है? दीर्घायुष्यम मतलब हमारी उम्र लंबी हो जाती है, बलम अर्थात ताकत मिलती है, और हर प्रकार का सुख मिलता है। वापस बोलिए मेरे साथ, दीर्घायुष्यम बलम सुखम। आगे बढ़ेंगे हम, आरोग्यम परमम भाग्यम। दोहराइए, आरोग्यम परमम भाग्यम, अर्थात व्यायाम करने से हम जितने निरोगी बनते हैं, हमारा जो आरोग्य है वो अच्छा हो जाता है, हमारी तबीयत सुधर जाती है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ा वरदान है कि हम निरोगी रहें। तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सबको व्यायाम करना चाहिए। स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, अर्थात निरोगी शरीर, हमारी तबीयत जब अच्छी होती है वही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होता है, सबसे अच्छा ब्लेसिंग होता है। अब हम पूरा श्लोक एक साथ बोलेंगे, ठीक है? व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम्। दोहराइए, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम्, दीर्घायुष्यम बलम सुखम्, दीर्घायुष्यम बलम सुखम्, आरोग्यम परमम भाग्यम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम्, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम्। अब हाथ जोड़िए, वेरी गुड, सीधे बैठिए, अपनी पीठ को एकदम सीधा रखिए, स्ट्रेट, और मेरे पीछे दोहराइए, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम्, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम्, दीर्घायुष्यम बलम सुखम्, दीर्घायुष्यम बलम सुखम्, आरोग्यम परमं भाग्यम्, आरोग्यम परमं भाग्यम्, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम्, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम्।
अब इसका हम इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे। देखिए पूरी पूरी फैमिली व्यायाम कर रही है क्योंकि सबको निरोगी रहना है, तंदुरुस्त रहना है। इस श्लोक का अर्थ है वन गेट्स हेल्थ स्ट्रेंथ लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पीनेस बाय डूइंग एक्सरसाइज। गुड हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। यू विल गेट सो मैनी अदर थिंग्स बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ। और आज की इस घड़ी में हमें तंदुरुस्त रहने का महत्व सबसे ज्यादा समझ में आया है ना? अब इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, आयु अर्थात उम्र, बल और सुख की प्राप्ति होती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो बच्चों हर रोज व्यायाम करो, कसरत करो, एक्सरसाइज करो और सुरक्षित रहो, तंदुरुस्त रहो। हम अगली बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।